हम चेतावनी दे रहे हैं, ये जो बाहर के आने वाले मुल्ले मौलवी और विधर्मी आकर के हमारे हिमाचल प्रदेश का जिहादी गतिविधियों को फैला करके माहौल खराब करने का काम कर रहे हैं, प्रशासन इनको रोकने का काम करे। यदि प्रशासन इनको नहीं रोक पाता है तो हमने तो तय कर रखा है रोकेंगे भी। ये वीडियो का भाग जो आपने सुना है, अभी पूरा वीडियो भी हम आपके सामने रखेंगे। ये फिर से हिमाचल प्रदेश का बताया जा रहा है। आखिर हिमाचल प्रदेश में ऐसा क्या कुछ हो रहा है, क्यों हिमाचल प्रदेश में अचानक इतनी नफरत बढ़ गई कि लोग बाहर निकलकर मुसलमानों को जिहादी शब्द से संबोधित कर रहे हैं और हिमाचल प्रदेश को खाली करने की बात कर रहे हैं, मुसलमानों को निकालने की बात कर रहे हैं। और सिर्फ मुसलमानों को निकालने के साथ साथ, सिर्फ मुसलमानों को निकालने की बात नहीं कर रहे, इसके साथ साथ प्रशासन को भी खुली चुनौती दे रहे हैं कि इनको हिमाचल प्रदेश से नहीं निकाला गया या इनको मुल्लों को हिमाचल में आने से नहीं रोका गया तो हम रोकेंगे भी, टोकेंगे भी और जरूरत पड़ेगी तो ठोकेंगे भी, ये हम सुनिश्चित कर चुके हैं। और हिंदुस्तान में रहना होगा तो जय श्री राम कहना होगा, ये तमाम नारेबाजी खुले तौर पर हो रही है। और हिमाचल प्रदेश आप समझ सकते हैं कि कैसा शांत प्रदेश था, और पिछले कुछ दिनों से ये जो वीडियो आ रही हैं ये अपने आप में चिंताजनक है। सवाल ये है यहाँ पर कि आखिर सुखविंदर सिंह सुक्खू जो सूबे के CM हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो क्या कर रहे हैं। और सवाल यहाँ पर राहुल गांधी से भी है, क्योंकि राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान कहां से, कन्याकुमारी से कश्मीर तक खोल रहे हैं, पूरे देश भर में मोहब्बत की दुकान खोली जा रही है, तो क्या इस मोहब्बत की दुकान को हिमाचल प्रदेश में बंद कर दिया गया है क्या? क्या मोहब्बत की दुकान हिमाचल प्रदेश में नहीं खुलेगी? आखिर क्यों राहुल गांधी सुखविंदर सिंह सुक्खू से ये नहीं पूछ रहे कि उन लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है जो समाज में उपद्रव फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, जो समाज के ताने बाने को तोड़ने का प्रयास आए दिन कर रहे हैं, वीडियो के माध्यम से उनको पहचाना जा सकता है, और वो एक संगठन से हैं, उस संगठन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है और क्यों खुलेआम मुसलमानों को गालियां दी जा रही हैं? आप देखेंगे कि जब इस तरह की कोई खबर आती है तो आसानी से विपक्ष ये कहता हुआ नजर आता है कि देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार में माइनॉरिटी सुरक्षित नहीं है, अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है, मुसलमानों को प्रताड़ित किया जाता है। लेकिन आप बताइए कि हिमाचल प्रदेश में किसकी सरकार है? कांग्रेस की सरकार है। और अगर कांग्रेस की सरकार में, जो खुद ही आरोप लगाते हैं, हालांकि किसी की भी सरकार हो, यहां पर हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो या अन्य किसी भी दल की सरकार हो, अगर सरकार है तो वो किसी एक समुदाय, जाति विशेष या वर्ग की नहीं होती है। तो फिर आखिर हिमाचल प्रदेश में ऐसा क्या हो रहा है जो सुखविंदर सिंह सुक्खू कोई भी कार्रवाई करते हुए नजर नहीं आ रहे, तमाम सोशल मीडिया पर आवाज उठाने के बावजूद, तमाम लोग इसको लेकर जो है टैग कर रहे हैं मुख्यमंत्री को, उन वीडियो पर टैग कर ये सवाल कर रहे हैं कि इन लोगों को चिन्हित कर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, ये खुलेआम जो है माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं, खुलेआम हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं, खुलेआम मुसलमानों को गालियां दे रहे हैं, अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? आपने देखा होगा कि पहले जो वीडियो आया था वो वीडियो था जिसमें एक शख्स ये कहता हुआ नजर आ रहा था कि 30 दिन का वक्त है, हिमाचल छोड़कर जिहादी चले जाएं, अगर वो नहीं जाते हैं तो फिर हम रोकेंगे, टोकेंगे और जरूरत पड़ेगी तो ठोकेंगे भी। ये वीडियो आपने देखा था, काफी ज्यादा वायरल हुआ था ये वीडियो, तो वायरल हो गया। लेकिन क्या इस वीडियो के वायरल होने के बाद जो वीडियो में दिखाई दे रहा शख्स, उसके कार्रवाई की कोई खबर आपके कानों तक आई? नजीर बनने की बात जब होती है, जब आपके कानों तक ये खबर आए कि हां उस शख्स के साथ प्रशासन ने ऐसे सख्ती से कार्रवाई की है। चलिए अब दूसरा जो वीडियो अभी हम आपके सामने रखेंगे, ये वीडियो भी हिमाचल प्रदेश का बताया जा रहा है और इसमें भी इसी तरह के कुछ जो शब्द हैं वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ। वीडियो आप देखिए। चेतावनी दे रहे हैं ये जो बाहर के आने वाले मुल्ले मौलवी और विधर्मी आकर के हमारे हिमाचल प्रदेश का जिहादी गतिविधियों को फैला करके माहौल खराब करने का काम कर रहे हैं, प्रशासन इनको रोकने का काम करे। यदि प्रशासन इनको नहीं रोक पाता है तो हमने तो तय कर रखा है रोकेंगे भी। भारत में यदि रहना होगा एक मूल्य तेरे बाप का नाम, एक मूल्य तेरे बाप का नाम। कल्पना करिए किस प्रकार जो है आज इस्लामिक जिहाद हिमाचल प्रदेश को निगलने के लिए आतुर है। आप सबके
आप सबके ध्यान में है कि आज आए दिन हिमाचल प्रदेश से हमारी छोटी छोटी बच्चियां इस्लामिक जिहादियों द्वारा लव जिहाद का शिकार करके ले जाई जा रही हैं। आप कल्पना करिए जिहाद का क्या आलम चल रहा है इस प्रदेश में। कल ही मुझे पता चला महर्षि पराशर की भूमि मंडी में कल राजस्व विभाग जो है, जो पराशर झील हम सबकी आस्था का केंद्र है, वहां पर सर्वे करके आया है, जमीन की पैमाइश करके आया है और वहां पर जिहादियों को मस्जिद बनाने के लिए भूमि आवंटित करने का काम किया जा रहा है। तो वीडियो आपने देखा, आप इस वीडियो में साफ सुन सकते हैं किस भाषा का ये इस्तेमाल कर रहा है और कैसे प्रशासन को खुली चुनौती दे रहा है। ये कह रहा है कि मुल्ले मौलवियों को आने से रोका जाए, नहीं तो फिर वो कानून को हाथ में लेने की बात कर रहा है कि रोकेंगे, टोकेंगे और ठोकेंगे भी। आप सोचिएगा कि प्रशासन के लिए कितनी बड़ी चुनौती है। क्या इस भाषण को नफरती भाषण नहीं माना जाए? क्या इस भाषण को हिंसा फैलाने वाला भाषण नहीं माना जाए? आखिर क्यों इन लोगों पर कार्रवाई नहीं हो रही है, यही एक बड़ा सवाल है। ऐसे में जब मोहब्बत की दुकान खोलने की बात कांग्रेस करती है और कांग्रेस शासित राज्य में इस तरह की वीडियो एक के बाद एक आ रही है, पहले 30 दिन का वीडियो आया, उसके बाद ये वीडियो आया और आपने देखा होगा कि एक वीडियो और बीच में आया था जिसमें एक व्यापारी को रोका गया था और वो व्यापारी उत्तर प्रदेश का था, क्योंकि उसका जो हुलिया था उससे पता चल रहा था कि वो मुस्लिम है। उसका आधार कार्ड भी चेक किया गया, उसने आधार कार्ड भी दिखाया, उसके बावजूद वहां पर जो है उसको प्रताड़ित किया गया था। और आखिर किस वजह से? सिर्फ एक पहचान की वजह से? क्या ऐसा देश चाहते हैं हम? क्या इसको हम न्यू इंडिया माने? क्या इसको सपनों का भारत माने? क्या इसको प्रधानमंत्री के सपनों का भारत माने जिसकी उड़ान असीम है? इस तरह से हमारे देश की उड़ान असीम बनेगी जहां पर अपने ही देश के नागरिकों को प्रताड़ना का सामना करना पड़े सिर्फ धर्म के आधार पर? तमाम गंभीर सवाल हैं। बहरहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद है कि आप भी इस तरह के नफरत के खिलाफ खड़े हों और सवाल खड़ा करें सरकार से कि आखिर इस तरह के नफरती वीडियो पर लगाम क्यों नहीं लग रही है। शुक्रिया। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।